अभी हम बना रहे हैं होली के कलर्स, नेचुरल कलर्स फूलों से। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी को मिलाएंगे। ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया है फूलों को। तो अभी हमने मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल लिए हैं। अभी हम ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च, इस बेस में हम लोग अभी इसको इस तरीके से किसी भी दुपट्टे को रख के या मलमल के कपड़े पे या मार्किन के कपड़े पे आप इसे छान सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये गेंदे के पत्तियों का रस जो कि आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर और निखार लाने वाला है इस रंग को लगाने के बाद। और कलर थेरेपी तो अपने आप में कलर थेरेपी है। अभी हम इसमें कुछ एसेंस मिला रहे हैं, रोज एसेंस या जो खाने वाले हैं और स्मेल अच्छी करते हैं, वनीला एसेंस, रोज एसेंस, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको पसंद हो उसको थोड़ा मिला सकते हैं जिससे कि उसमें अभी मेरे पास वनीला एसेंस ही है अच्छा फील आया। अभी इसमें आप हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसको ऐसे करके थोड़ी देर हम इसको फेटेंगे तो ये थिक बन जाएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर हम और डालते जाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसे थिक सी ना हो जाए। चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। ये कलर प्योरली मैरीगोल्ड लीव्स का है, ये बिल्कुल भी मतलब चिपकेगा नहीं आपकी हाँ। स्किन को ऐसा आएगा भी तो ये निकल जाएगा हाँ। ऐसे होने तक आपको इसने इसको ऐसे कॉर्नस्टार्च डालते रहना। मैं इसमें थोड़ा और कॉर्नस्टार्च डालूंगी क्योंकि कलर का पानी ज्यादा है और मैंने पहले स्टार्टिंग में निकाला था। इसको पहले अंदर डाल के उसके बाद इसमें कलर मिलाएंगे। इस पे हम लोग ने जितना भी वो था उसको और कॉर्नस्टार्च डाल के मिला लिया है और फिर उसको हम लोग न्यूज़पेपर, प्लास्टिक ज़्यादा इसमें सूटेबल होगी बट न्यूज़पेपर भी अगर आप यूज़ करेंगे धूप में रखेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। भले न्यूज़पेपर के नीचे तक ये फैल जाएगा बिल्कुल बट आपका ये जो ऊपर वाला मटेरियल है वो वहीं पर रहेगा। आप बिल्कुल इसको फैला लीजिए जैसे बिल्कुल हल्की सी हर जगह पर रहे। उसके बाद इसको धूप में रख दीजिए। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा कलर ऑलरेडी सूख रहा है। ये मैंने पिछली बार ब्लू कलर बनाया था तो उसको वैसे ही मतलब सुखा के जब वो सूख गया था टोटली तब उसको क्रंच करके अंदर इसके अंदर डाल के पीस दिया। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल कलर ऐसे बना था। इसका आपको ऐसे ही येल्लो का भी करना है।